पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद के कड़गा थाना क्षेत्र में एक मकान के विवाद के चलते भांजे ने अपने मामा के ऊपर तेजाब डालकर उसे जान से मारने की कोशिश की। मामा को गंभीर हालत में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर घायल की स्थिति गंभीर बनी हुई है। मुरादाबाद के थाना कड़गा क्षेत्र स्थित रहमत नगर में घटी घटना ने दिल दहला दिया। दरअसल सुबह 8 बजे करूला के रहमत नगर निवासी मशरूर पर उसके भांजे इमरान ने जानलेवा हमला बोलते हुए उसके ऊपर एसिड अटैक कर दिया और मौके से फरार हो गया। तेजाब फेंकने की खबर से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर 100 डायल मौके पर पहुंची और पीड़ित मशरूर को उठाकर इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। आरोपी भांजे ने तेजाब अपने मामा के सिर और चेहरे पर उड़ेला था, जिसके चलते घायल अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा है। घायल का इलाज कर रहे डॉक्टर ने उसकी हालत पर जानकारी देते हुए बताया कि 100 नंबर लेकर पहुंची थी, इलाज किया जा रहा है। वहीं इस घटना को गंभीरता से लेते हुए सीओ कटघा सुदेश गुप्ता भी स्वयं जांच में लगे हुए हैं। इस घटना पर जानकारी देते हुए बताया कि मामा भांजे का एक मकान को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके चलते इमरान ने अपने मामा मशरूर के ऊपर तेजाब डाला है। पूरे मामले की जाँच की जा रही है। मशरूर और इमरान मामा भांजे हैं। आज सुबह 7:45 बजे सूचना प्राप्त हुई कि मशरूर के ऊपर तेजाब डाला गया है उसके भांजे द्वारा और वह अस्पताल में एडमिट है। इस सूचना पर जब दरोगा जी को रवाना किया गया मौके पर, तो ज्ञात हुआ कि इनका आपसी मामा भांजे का मकान को बेचने को लेकर विवाद है, पैसे को लेकर। इसी संबंध में इमरान द्वारा मशरूर के ऊपर तेजाब फेंका गया है। मशरूर अभी जिला अस्पताल में एडमिट है और उसका इलाज चल रहा है। इस संबंध में सूचना प्राप्त हो गई है, फायर करा के आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अभी उसका चेहरा जला हुआ है और हाथ भी थोड़ा बहुत जला हुआ है। 126 में उसका अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जाएगी।